ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन देश की सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है, औद्योगिक क्षेत्र में काम करती हैं। ये 1941 में जिसका फाउंडेशन हुआ। पूरे भारत में उद्योग एवं सरकार के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेटर का काम करती हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के संस्थान के वाइस चेयरमैन सुप्रसिद्ध एडवोकेट सुशील जी व्यास बने हैं। आइए इस संस्थान एवं संस्थान के कार्यों के बारे में जानते हैं और एडवोकेट सुशील जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इंडस्ट्रियल और सरकार के बीच समन्वय करेंगे। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन AIMO जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं, सन 1941 में भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जो बहुत बड़े हिंदुस्तान के माने हुए इंजीनियर हुए, उनके एक सपनों की देन है, उनके ही अथक प्रयासों से ये संस्था शुरू हुई। कितने कार्यालय हैं पूरे देश में इसके? AIMO का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के सर PM रोड पर है, जीवन सहकार बिल्डिंग में, और इसकी शाखाएं बेंगलोर, तमिलनाडु, गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली आदि स्थानों पर, पूरे वेस्ट जोन, इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, और तकरीबन पूरे देश के व्यापारी वर्ग से, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इसके अपने आप को मेंबर बनना अपना स्वाग। मैंने शुरू से ही कहा कि AIMO का मूल उद्देश्य 1941 में जब स्थापना हुई कि ट्रेड और इंडस्ट्री और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके उनको एक सामूहिक और संगठित भाषा के रूप में उनकी ताकत को उभारना और उसके साथ उसी ताकत के आधार पर सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करना। समय समय पर जब भी हमें लगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री में कुछ मायूसी का वातावरण है और उसके चलते कुछ सरकारी नीतियों में बदलाव की जरूरत है या सरकार से समन्वय की जरूरत है, सरकार के साथ बैठ करके कुछ मध्यम रास्ता निकालने की कोई किसी भी इशू पे जरूरत है, तब तब AIMO ने अपना रोल निभाया और आगे भी निभाती रहेगी। इस समय निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के साथ हम लोग लगे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत मायूसी का वातावरण ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर है, कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में सरकार के साथ उसको समन्वय करके एक ऐसा वातावरण बने जो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए सुखमय हो और जहां पे हर व्यापारी, हर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और सुखी महसूस करे। मतलब आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेटर करे ये इंडस्ट्रियल या व्यापार या उद्योग के, भाई हमारी जो है ये समस्या है, सरकार के पास नहीं जाकर के इस संस्थान के पास आए, तो आप कोई कार्यक्रम करेंगे या कार्यक्रम होता है इसका, या इंडस्ट्रियल पर्सन आप लोगों के पास आता है, किस तरह का कोऑर्डिनेटर? देखिए मैं बताऊं, कई तरह की सदस्यता है AIMO में। व्यक्तिगत तौर पर जो व्यवसायिक हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, वो भी मेंबर हैं। कुछ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी सदस्य हैं। कुछ जो ट्रेड की, इंडस्ट्रियल ट्रेड की जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो केमिकल ट्रेड की हो, स्टील मार्केट की हो, या कॉस्मेटिक लाइन की हो, तमाम टेक्सटाइल की हो, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारी सदस्य है। तो उनको एक सामूहिक तौर पर जब उनकी बात हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के रूप में आती है तो उसको आकर के संबंधित अधिकारी या व्यक्ति या समय समय पर मंत्रियों तक भी उस मंत्रालय के माध्यम से पहुंचाने का काम AIMO करती रही। आने वाले नवंबर या दिसंबर में महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से भी एक GST के ऊपर एक या दो सेमिनार हम विभिन्न हमारे जो ट्रेड और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि GST को लेकर बड़ी ही गलत फहमी और गहमा गहमी इस देश के व्यापारियों के और इंडस्ट्री के बीच फैली हुई है, उसका निराकरण होना, उसका एक स्पष्टीकरण होना जरूरी है। इसीलिए अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए AIMO ने एक नई चीज इमीडिएट, जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन के रूप में ली है कि आने वाले दिनों में हम देश के विभिन्न विभागों में, जिसकी शुरुआत आज हमारे तमिलनाडु बोर्ड ने की है, कुछ दिनों में हम महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से भी GST के सेमिनार एक या दो अलग अलग जगहों पर हम करेंगे और उसके माध्यम से ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे जो सदस्य हैं और जो सदस्य नहीं भी हैं, जो हमारे उस सेमिनार में गेस्ट के रूप में आएंगे, उनको एक मार्गदर्शन और GST के बारे में भ्रांति जो फैली हुई है उसका स्पष्टीकरण करने का काम जो भी हमसे बन पड़ेगा AIMO के माध्यम से हम करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ समय में बात करने के लिए एडवोकेट सुशील जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर हमारे से जुड़े हुए सदस्य व्यापारी और अन्य जो लोग भी जो भी AIMO की इस सशक्तिकरण शक्ति का उपयोग लेना चाहें उनका मैं स्वागत करूंगा और समय समय पर हमें अपनी वो जो भी ग्रीवेंस है लिखित रूप में भेजें, हमसे आकर के समन्वय करें। PM रोड जीवन सहकार बिल्डिंग 4th माले पे हमारी
मुंबई में ऑफिस है फोर्ट में, आकर के मिलें और जो भी अपना जो कोऑर्डिनेशन हमसे सरकार के तक पहुंचाना चाहें अपनी इंडस्ट्री का, जरूर कहें, हम उन सारे सुझावों का और उन सारे मार्गदर्शन का स्वागत करेंगे। जय हिंद। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर, एंटी कुंदन डायमंड राजस्थानी रजवाड़ी ब्राइडल कलेक्शन का अक्षय खजाना, मोहनलाल कोटरमल ज्वेलर शोरूम नियर बैंक ऑफ इंडिया जवेरी बाजार मुंबई 2, राज पैलेस ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड बुलियन मर्चेंट, हंजी स्ट्रीट मुंबई 3, टेलीफोन नंबर 02230725933।